हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल। तो इस वीडियो में हम लोग 17 दिसंबर को जो पेपर हुए हैं केवीएस के नॉर्थ ईस्ट के, तो उसके हम लोग फर्स्ट पेपर में आए इंग्लिश के फर्स्ट 15 क्वेश्चंस, जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, यहाँ पे हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यू डैश बी मैड इफ़ यू थिंक आई एम गोइंग टू लैंड यू मोर मनी। तुम पागल हो गए अगर तुम ये सोचते हो कि मैं तुमको और पैसे उधार देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन फोर्थ है, मस्ट। यू मस्ट बी मैड, माइट तो लगा ही नहीं सकते थे, शुड भी लगा नहीं सकते थे। ठीक है, और ऑट टू मॉरलिटी के लिए शो करता है, तो वो भी यहाँ पे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यू मस्ट बी मैड, ये आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट, ईटिंग स्वीट्स डैश बी बैड फॉर योर टीथ। ओके, मीठा खाना तुम्हारे दांतों के लिए नुकसानदायक होगा। ठीक है, मैं बता दूं आपको कि ईट जो है वो वर्ब है, मगर यहाँ की आईएनजी फॉर्म यहाँ पे नाउन का काम कर रही है, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के हम उसको नाउन से की तरह वर्ब काम करते हैं तो उसको बोलते हैं जीरंड। तो ये यहाँ पे जीरंड का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो जीरंड इस सेंटेंस को, एक ये सब्जेक्ट है इसका। तो मीठा खाना दांतों के लिए नुकसानदायक होगा, तो यहाँ पर आप लोग वुड का यूज़ करेंगे। ईटिंग स्वीट्स वुड बी बैड फॉर योर टीथ, मीठा खाने से आपके दांत खराब हो जाएंगे, ये सेंस आ रहा है। नेक्स्ट, ओके, इनमें यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले अपोजिट सर्च करना है। ठीक है, दो क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला है सैक्रेड, सैक्रेड मीन्स होता है पवित्र, बहुत ही पाक जिसको बोलते हैं। ठीक है, और ये होता है रिलीजियस, रिलीजियस होता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ओपन लगा नहीं सकते, फॉल्स लगा नहीं सकते। अब बचा अनहोली और इनऑस्पिशियस। इनऑस्पिशियस जो होता है वो होता तो पवित्र चीज़ें ही हैं, मगर इसका ये नॉर्मल होती हैं, शुभ होती हैं। ठीक है, तो शुभ होती हैं। ठीक है, तो शुभ नॉर्मल चीज़ें भी हो सकती हैं, ये गॉडली हो भी ना तब भी काम चल जाता है, मगर हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है अनहोली। यहाँ पे हम लोग अनहोली चूज़ करेंगे। नेक्स्ट, सोबर। सोबर मतलब क्या होता है, बहुत ही कह लीजिए सेंसिबल, सेंसिबल इसके लिए सबसे अच्छा वर्ड है, सेंसिबल। ठीक है ना, तो क्रूड हो नहीं सकता, ड्रंक हो नहीं सकता, ठीक है, क्रूअल हो नहीं सकता। ठीक, अब हमको अपोजिट चूज करना है, तो अनवाइज। ठीक है, सोबर आइडियाज होते हैं, सोबर ड्रेसिंग होती है। ठीक है, तो उसका ठीक अपोजिट अनवाइज, बेवकूफाना जैसे। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे हम लोग को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चूज करना है। ठीक है, यहाँ पे आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। ओके, वन हु हैज वाउड नॉट टू मैरी, एक जिसने कसम खाई है कि वो शादी कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो स्पिंस्टर होता है, ये तो ठीक है कि हाँ इसने शादी नहीं की, मगर ये सिर्फ यूज़ होता है फीमेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए। ठीक है, जैसे कि मायावती हो गई, लता मंगेशकर हो गई, तो ये इन दोनों के लिए हम स्पिंस्टर यूज़ कर सकते हैं, इनके लिए। बैचलर, जैसे कि ये मेल्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, लाइक अटल बिहारी वाजपेयी, बाबा रामदेव और काफ़ी लोग हैं। ठीक है, अच्छा, कैलस क्या होता है? कैलस जो होता है वो होता है कि बहुत ही, मतलब कह लो कि निर्दयी, क्रूअल जो आदमी होता है, तो उससे भी ज़्यादा जब हो जाता है तो उसको कैलस बोलते हैं। जैसे कि कह लीजिए डॉक्टर्स होते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगा देते हैं। ठीक है ना, और किसी का पेट मतलब कट कर देना, किसी का हाथ कट कर देना, डॉक्टर्स के लिए कोई, जैसे मुर्दा घर में काम करने वाले लोग वो कैलस हो जाते हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अगर बगल में कोई रो रहा है या बगल में कोई डेड बॉडी पड़ी है, वो कैलस हो जाते हैं, उनके लिए ये रोज़ की बात हो जाती है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा सेलिब्रेट। एक आदमी जिसने कसम खा ली है कि वो शादी नहीं करेगा, उसको बोलते हैं सेलिब्रेट। ठीक, सेलिब्रेट का नाउन है सेलिबेसी। ठीक है, यहाँ BACY लगा सकते हैं, इसका मतलब होता है जब आप किसी रिलीजियस काम्स की वजह से सेक्स से दूर रहते हैं, तो उसको बोलते हैं सेलिबेसी। ठीक है, नेक्स्ट, अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। इसका बेस्ट आंसर हमारा ईगोइस्ट है। एरोगेंट, घमंडी हो नहीं सकता, प्रोफेन, बहुत ही वो ऑफेंसिव चीज़ों को बोलते हैं, ऑफेंसिव, बहुत ही बुरी भद्दी चीज़ें के लिए और प्रोफेन वर्ड यूज़ करते हैं। क्लेवर हो नहीं सकता था। रेडियंट, रेडियंट मतलब, रेडियंट अगर आपको याद रखना है तो आप याद रखिए वर्ड रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन मतलब कि जब चीज़ें, मतलब उसमें से निकलें। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? ब्राइट। ठीक है, फेमस हो नहीं सकता, जस्ट हो नहीं सकता, टाइमली हो नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रिक्चर। स्ट्रिक्चर मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन है क्रिटिसिज्म। ओके, नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग को क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें हम लोग को एक वर्ड ऐसा दिया होगा जिसकी स्पेलिंग सही होगी, वो सर्च करना है। तो न्यूट्रिशियस की स्पेलिंग बहुत ही आसान है, नॉर्मल हम लोग यूज़ करते रहते हैं, तो इसकी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, NUTRITIOUS। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट की स्पेलिंग बहुत ही आसान है यहाँ पे, क्योंकि इसके जितने भी ऑप्शन दिए हैं CENT होता है, तो आपके यही चार ऑप्शन गलत हो गए, तो तीन ऑप्शन गलत हो गए, तो आपका ये ऑप्शन सेकंड वाला सही हो गया। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम लोग को स्पॉट एरर्स के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, राम इज एंक्सियस टू सी यू फॉर द लास्ट 1 वीक। राम पिछले एक हफ्ते से तुमको देखने के लिए बहुत बेताब है, बहुत ही चिंता में है कि वो तुमको देख ले। उसने काम शुरू किया आज, और ये काम कब से चल रहा है, पिछले एक हफ्ते तक उसने इस बारे में चिंता की हुई है, ठीक है। तो ये मतलब ये काम यहाँ से शुरू हुआ, तो जब काम शुरू हो गया तो टेंस हो गया परफेक्ट, और वो काम अभी भी चला रहा है, तो यहाँ पे हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब यहाँ पे इज लगा है तो मतलब प्रेजेंट का हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन, ओके। तो हमको यहाँ बोलना था राम हैज़ बीन एंक्सियस टू सी यू फॉर द लास्ट 1 वीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसके फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है। फर्स्ट यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, आई आस्क्ड माई फादर इफ आई कैन टेक हिज पेन, ओके। आई आस्क्ड सेंटेंस पास्ट में आस्क्ड बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, सेंटेंस है पास्ट। उसके बाद सेंटेंस पूरा का पूरा पैरेलल चलना चाहिए, पास्ट से शुरू हुआ है तो पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए था। यहाँ पे इसने कैन यूज़ कर दिया है, और कैन का पास्ट होता है कुड, तो यहाँ पे इसको कुड यूज़ करना था। आई आस्क्ड माई फादर इफ आई कुड टेक हिज पेन, तब सेंटेंस सही बन जाता। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिसमैन व्हेन ही सॉ अवे, व्हेन ही रैन अवे, ओके। तो एक चीज़ अपने दिमाग में बना लीजिए कि जब भी नो सूनर आएगा तो उसके साथ उसका जो अदर पार्ट है वो होता है देन, ठीक है, देन होता है। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे नो सूनर की जगह पे हार्डली यूज़ हुआ था, बेयरली यूज़ हुआ था, या फिर स्कार्सली यूज़ हुआ होता, SCARCLY, ओके, इन तीनों के साथ आप वैन का यूज़ करेंगे। मगर जब नो सूनर आएगा तो उसके साथ आप देन ही यूज़ करेंगे, वैन का यूज़ नहीं करेंगे, तो इसके थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट, ये दो लास्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें हम लोग को इडियम सर्च करना है, ठीक है। टू टेक अवे वंस ब्रीथ, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब नॉर्मल सा है, ये कई बार आए हुए एग्जाम में। टू सरप्राइज समवन, ठीक है, मतलब टू टेक मतलब मेरी सांसें रुक गई, ये कह लीजिए, ठीक है, मैं एकदम सरप्राइज हो गया यहाँ पे, ये इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 15th, अ डेड लेटर। अ डेड लेटर होता है कि एक ऐसा लॉ या फिर एक ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो कि अब एग्जिस्ट तो करता है मगर यूज़ में नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका सिंपल आंसर थर्ड वाला होगा, नो लॉन्गर इन यूज़, ओके। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिन्होंने भी KVS का एग्ज़ाम दिया हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो डालने वाला हूँ जितने भी एग्ज़ाम आसपास में होंगे, ओके। थैंक यू क्लास।